हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में आज ही अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज आया हुआ है, तो मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि www.mu.ac.in पे अगर आप क्लिक करते हो और आप ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे चले जाओगे। दोस्तों तो जैसे कि अभी मेरे सामने ये साइट ओपन हो रहा है, आज ही का दोस्तों एक सर्कुलर आया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। दोस्तों यहां से मैं नीचे आ जाता हूं, देन दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पहला वाला आप लोगों को जो सर्कुलर दिख रहा है, ये वाले के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, लेकिन आज का कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आप लोगों के लिए गुड न्यूज ही लेके आया है। तो दोस्तों ये सर्कुलर है, ये इधर आपको दिख रहा होगा, 1 से लेकर 17 पेज का पूरा ये सर्कुलर आया हुआ है। दोस्तों तो ये पूरे सर्कुलर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, दोस्तों मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा लेक्चर में बिजी हूँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को टाइम जैसे ही मिला मैं इसके रिलेटेड एक अपडेट आप लोगों को देने के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसके अंदर खास और इंपॉर्टेंट बात क्या बोला हुआ है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो दोस्तों इसमें ये पूरे वाले में, ये पूरे जो आया हुआ है सर्कुलर, इस सर्कुलर में इन्होंने खासकर बात बोला हुआ है कि जो 4th सेम के एग्जाम थे, अपना 2nd सेम के एग्जाम थे और 6th सेम के एग्जाम थे, मतलब जो भी फाइनल एग्जाम हमारे बाकी है, 4th सेम, 6th सेम, 8th सेम, 2nd सेम, इन सभी के एग्जाम को 50-50% के बेस पे प्रमोट करेंगे। ठीक है, 4th सेम, 2nd सेम, 4th सेम, 6th सेम और 8th सेम जो इधर आपको दिख रहा है, ठीक है, इनके जितने भी मतलब एग्जाम थे वो रद्द कराए जाएंगे और उनको 50-50% के मार्क्स के बेस पे आगे भेजा जाएगा। अगर आपको कोई केटी है तो केटी का एग्जाम लिया जाएगा, और खासकर इन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट जितने भी है उनका एग्जाम लेने का निर्णय लिया हुआ है, उनका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ये रिपोर्ट में यही बात किया हुआ है, और मार्क्स देने के क्या तरीके होंगे वो उन्होंने भी इधर बताया हुआ है, किस तरीके से इनका मार्क्स देने का पैटर्न होगा, 25-75 को मतलब 100 में लेके। तो इसके रिलेटेड दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा बिजी था, मैं सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, इसके लिए इन शॉर्ट में ये वीडियो बना के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ खास इंपॉर्टेंट बात जो है मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं इसके रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो जरूर बना के आपको दूंगा कुछ घंटे में। दोस्तों बात यही है कि जिनके अभी ये सेम के एग्जाम बाकी थे, 2nd, 4th, 6th, 8th, उनके एग्जाम होने वाले हैं ये समझ के चले, और मतलब सॉरी एग्जाम नहीं होने वाले, 50-50% के बेस के हिसाब से प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट है दोस्तों उनका एग्जाम है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा, मैं डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आप मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।